आवाजें वापिस आती रही, किसी ने कोई सुनाई नहीं करी। और वह दुशासन द्रौपदी को ले जाकर और सभा के बीच में खड़ी कर देता है और अपने भाई दुर्योधन ने उकलना कह रहा है, दुर्योधन भाई तेरा आदेश था कि उसको यहां तक लिया, मैं ले आया, अब आगे के लिए क्या आदेश है? निवला भाई भी एक काम कर ले कि भाई कि इसकी साड़ी खींच के इसको नगन कर और मेरी जांग के ऊपर बैठा। आप जब जांग का नाम लिया तो दुशासन उठ के और द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा, तो साड़ी खींचने लगा तो भीम उठ के भाजा। निवला ने दुशासन जिन हाथों से द्रौपदी की साड़ी खींच रहा है ना, मैं ये तेरे हाथ जड़ से उखाड़ दूंगा। और जब उठ के भाजा तो अर्जुन ने कोड़ी भर ली, नुक लगा कि भाई मारा बोलने का समय नहीं है और तू गुस्से को कम कर। और जब छो माया देखा भीम तो अर्जुन ने कोड़ी भरी, दुर्योधन ने कल लगा रहे अर्जुन छोड़ इस मर्द मानस ने भाई, मैं देखता हूं उसके अंदर कितनी ताकत और कितना बल है। अरे भीम इस बालक का न के दी देखा डे भाई, हम को ना जानते थरा केस होता है क्या लाग रहे हो। तो वो दुर्योधन ताने मारता है पांडवों के खड़ा होकर सभा में, और क्या क्या ताने मारे एक बात के द्वारा कैसे क्या बता कवि ने कैसे क्या दर्शा मिला। बोलिया छोड़ दे कोली आ रही सयोदा की, हाँ देखूं किसी लड़ाई जाने से भाई जो के जाने थरे रंगे ने वो थरी लुकाई जाने से छोड़ दे दूसरी कली में भला।
सुबह यमद कोई से ने बेरा के मोड़ में बोझ कितना कोया करे कोई से ने केड़े लेके देखे न्यू कह के मारी बहू की साड़ी खेसते हो अरे बहू इसी हो आग्रह बहू वो होती है जो पंचों में पढ़ाई जाती है और तुम ते साले तुमसे का दा लग गया वो इठा के घर में बढ़ गया क्वेश्चन केड़े लेके देखे हैं तुमने तो ये रखेल पाल रखी है रखेल बहू ऐसी नहीं होती और थारे देख क्या है कि भी आठ कार्ड खोलिया कैसे कस कस के ताने मारता है क्या ताने मारे क्या बता तीसरी कली में भला सब हमें न्याय